भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने आज दौसा के धनावड़ में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस के लोकार्पण और जनसभा में आज भाग लिया। सांसद रंजीता कोली बयाना से अपने आवास से सैकड़ों गाड़ियों और हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ दौसा पहुंची। इससे पहले उनका काफिला छोकरवाड़ा रुका, जहां उनका कार्यकर्ताओं के दौरान गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ दौसा के लिए रवाना हुए। वहीं कमालपुरा बॉर्डर पर सांसद रंजीता कोली ने अपने कार्यकर्ताओं से बात कर उन्हें दौसा के लिए रवाना किया। सांसद रंजीता कोली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लेकर कार्यकर्ताओं में जोश उमंग और उत्साह देखा गया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं। यही कारण है कि आने वाली राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। प्रदेश के साथ साथ भरतपुर संभाग को लेकर सांसद रंजीता कोली ने कहा कि इस बार पूरे संभाग और भरतपुर जिले में कमल का फूल खिलेगा। प्रदेश सरकार से लोग परेशान हैं। सांसद रंजीता कोली ने धनावड़ पहुंचकर हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। सांसद रंजीता कोली ने मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होना तय है। सांसद रंजीता कोली के साथ पूर्व विधायक मंगलाराम कोली, पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र जैन, मंडल अध्यक्ष जगमोहन खटाना सहित कई बड़े भाजपा के नेता मौजूद रहे। रंजीता कोली जिंदाबाद, रंजीता कोली जिंदाबाद, सांसद रंजीता कोली जिंदाबाद, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता जिंदाबाद, जय श्री राम, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है रंजीता कोली, जिंदाबाद 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 रंजीता कोली, जिंदाबाद 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 रंजीता कोली, जिंदाबाद 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 रंजीता कोली, जिंदाबाद। राजस्थान आ रहे हैं दौसा में एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए और हजारों की 10,000 की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आज हमारे लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का विषय है, पूरी जनता के लिए खुशी का विषय है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, इसके लिए लोगों को दिल्ली मुंबई जाने के लिए बहुत सुविधा रहेगी, उनका समय बचेगा, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हमारी।